प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जलाली नाम में सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं आपकी पास्टर रेखा और आपका बहुत बहुत स्वागत है यीशु की बेटी चैनल पर। और आइए हम प्रभु के वचन की ओर चलते हैं कि प्रभु का वचन हमें आज क्या कहता है, क्या समझाता है। और लास्ट में हम आपके लिए रोजाना की तरह प्रार्थना करेंगे और वचन और प्रार्थना को सुनने के बाद आप सेम नहीं रहेंगे, आपके हालात सेम नहीं रहेंगे। हालेलुया। वचन हम निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, जो बाइबल की पहली पुस्तक है, उसमें से हम 7:17 की पढ़ेंगे। तो वहां हम क्या लिखा है, पृथ्वी पर 40 दिन तक जल प्रलय होता रहा और पानी बहुत बढ़ता ही गया, जिससे जहाज ऊपर को उठने लगा और वह पृथ्वी पर से ऊंचा उठ गया। जल बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर बहुत ही बढ़ गया और जहाज जल के ऊपर ऊपर तैरता रहा। जल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया, वहां तक कि सारी धरती पर जितने बड़े बड़े पहाड़ थे सब डूब गए। हालेलुया। अब मैं इसको समझाती हूँ कि ये वचन किस लिए है, क्यों कहा गया। जब नूह का समय था, अब नूह को जानते, नूह एक धर्मी पुरुष था। और नूह के समय क्या हुआ था, प्रभु ने बाढ़ लेके आया था। उस समय बाढ़ बहुत ज्यादा आई थी, मतलब इतनी ज्यादा आई कि सब प्राणी मर गए थे, जीव जंतु मनुष्य सब कुछ तहस नहस हो गया था। आज के समय में हम जी रहे ना, तब नूह के समय भी ऐसा ही होता था। जो आज पाप पूरी पीस पर पहुंच चुका है, बुराई फैल चुकी है चारों ओर। आप देखेंगे धरती पर क्या हो रहा, कोई माँ को मां का दर्जा नहीं देता, बहन को बहन का दर्जा नहीं देता, मतलब इतना पाप धरती के ऊपर बढ़ चुका है। तो नूह के समय भी ऐसा ही था, लोग अपनी मन मर्जी करते थे, बदमस्तियां करते, लुचपुना करते थे, जैसे आज होता ना वैसे सेम तब होता था। तो तब प्रभु का गुस्सा लोगों के ऊपर आया था, तो प्रभु ने जल प्रलय कर दिया था, मतलब बाढ़ जिसे कहते भयंकर बाढ़ जी वो आ गई थी। हालेलुया। तो सबको तहस नहस हो गया। और जब ये हुआ था, जब ये होने वाला था, प्रभु ने एक संकेत दिया था, नूह को बताया था कि नूह मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ, उससे पहले तो लोगों को बता दे जाके कि ऐसा होने वाला है, और एक ऐसी बेड़ी, बड़ी बेड़ी तैयार कर, नाव तैयार कर, जिसमें सारे जीव जंतु पंछु दो दो करके रखे जाएंगे, जोड़े जोड़े करके, क्योंकि जो प्रभु ने पृथ्वी पर साजे थे, प्रभु उनको रखना चाहता था और नूह के परिवार को बचाना चाहता था। वो इसलिए क्योंकि नूह का जो परिवार था वो क्या था, धर्मी, नूह धर्मी था, और उसके बच्चे नूह के कारण नूह बच सके। और प्रभु की बड़ी योजना नूह के ऊपर थी, आगे चलकर जब जल प्रलय हो जाएगी, नाश हो जाएगा, तो प्रभु की प्लानिंग उसके ऊपर थी कि आगे फिर से संसार बचा जाएगा। हालेलुया। तो जब नूह को पता चला, तो नूह क्या करता है, लोगों को बताता है कि ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है, तो प्रभु के पीछे चल पड़ो, माफी मांग लो, तौबा कर लो, अपने गंदे रास्ते से बाहर निकल आओ, प्रभु आपको बचा लेगा। पर वो लोग उस वक्त क्या करते थे, नूह को ऐसे बातें करते थे, मखौल करते थे कि ये क्या बोलता है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये तो ऐसी बातें करता रहता है ना, प्रभु से बातें करता है इसलिए ऐसी बातें करता रहता है। जो आज हम देख रहे हैं, आज के समय में हम जी रहे हैं, तो आज भी बहुत सारी भविष्यवाणियां जैसे पवित्र शास्त्र में लिखे गया, प्रकाश की पोथी में बताया गया, अंत के दिनों के निशान हम सब देख रहे हैं कि प्रभु जल्द आने वाला। और आज हम सुसमाचार के द्वारा हमारे जैसे सेवक संत बताते हैं लोगों को कि प्रभु के पीछे चलो, प्रभु की ओर वापस मुड़ाओ, क्योंकि भयंकर ऐसा कुछ होने वाला, जब नूह के समय हुआ था अभी भी ऐसा ही होगा। तो तब तो बाढ़ आई थी, अब इस बाढ़ भी आएगी, अब कुछ और आएगा जिसके कारण ये सब कुछ होगा। तो अब भी वो पाप बढ़ रहा है, हम लोगों को दुहाई दे रहे हैं कि प्रभु के पास आ जाओ, पश्चाताप कर लो, पश्चाताप कर लो, ये लोग नहीं हमारी बात मान रहे हैं। और जो प्रभु की भेड़े हैं वो बात सुन रही है और प्रभु की ओर आ रही है। हालेलुया। जो नहीं सुन रही है प्रभु से दूर है। इसी तरह नूह के समय साथ नहीं लोग सुनते थे, तब क्या हुआ कि बड़ा प्रलय आया और सबको तहस नहस हो गया। उस वक्त उन्हें जो नूह की बातें वो मखोल करते थे, उन्हें वो मानते नहीं थे, वो उसे मखोलियों में उड़ा देते थे, जैसे कि टीचर करते थे, उसे एक कमेंट करते थे कि तू बड़ा आया प्रभु का भक्त ऐसा बताने वाला, मतलब उस समय उसे मखोल किया जाता। आज हो सकता है आपको भी कुछ लोग मखौल करते हो, आप प्रभु के पीछे चल रहे हो ना, जब प्रभु के पीछे सच्चाई के पीछे हम चलते हैं ना, सच्चाई को अपने जीवन में पहन लेते हैं, तो लोग क्या करते, दूसरे अदर लोग हमें एक मखौल में उड़ाते हैं, हमें वो तंग करना शुरू कर देते, परेशानी देनी शुरू होती, और हमें कहीं ना कहीं वो चाहे हमसे वो अच्छा बर्ताव करे, पर कभी कभार वो हमसे ऐसी बातें करते जिससे हमारे दिल को दुख पहुंचता है कि हमारे परमेश्वर के बारे में ये ऐसा कह रहे हैं। तो
तब भी ऐसा होता था, आज भी ऐसा होता है। और तब जो मूसा था वो बच पाया था क्योंकि वो धर्मी रहा, वो प्रभु को जिस आवाज को सुना उसको लेकर बैठ गया, लोगों को भी बताना शुरू कर दिया। आज चाहे आपको लग रहा है कि ऐसा हमारे साथ भी हो रहा है, तो आप क्या करें, प्रभु के प्रभु का जो संदेश लोगों को बताना शुरू। आप लोगों को कह रहे हैं कि मखौल कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब दुनिया ही उजड़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, धरती बनाई क्यों, अगर जिस धरती को ऐसा नाश करना तो बनाया क्यों, बहुत सारे लोग ऐसे सवाल करते हैं। आपको मखौल करते होंगे, बहुत सारी टीचरें होती होंगी आपके खिलाफ, पीठ पीछे आपके विरोध भी होता होगा, बहुत कुछ होता होगा। प्रिय भाई बहन, अगर आप इस विरोध से गुजर रहे हैं, जो नूह गुजरा, तो नूह अगर गुजरा था तो नूह ने क्या पाई, नूह ने आशीष पाई, नूह उसका घराना बचाया गया नूह के द्वारा। इसी तरह अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप भी बचाए जाएंगे, आपका घराना भी बचाएगा नूह की तरह। अगर आप सहते रहते हो नूह की तरह और दुहाई देते रहते हो, अंत समय तक दुहाई देते हो कि सुसमाचार सुनाते रहते हो कि प्रभु के पीछे चलो, प्रभु के पीछे चलो, पश्चाताप कर लो, आप नहीं हटते हो, अपना अपना काम करी जा रहे हो, अपना वर्क करी जा रहे हो, तो आप भी बचाए जाएंगे प्रभु यीशु की सामर्थ्य में। मेरा विश्वास है कि आज का वचन आपके लिए काफी है, आपको मजबूत करने के लिए, आपको छुड़ाने के लिए। हालेलुया। आइए हम लास्ट प्रार्थना में चलते हैं। अपनी आंखों को बंद करें, अगर दुखी बीमार है उस हिस्से में हाथ रख ले, प्रभु आपको छुएगा, आपको आजाद करेगा। हालेलुया, हालेलुया। सामर्थ्य परमेश्वर आपका धन्यवाद करते पिता आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु। जैसे प्रभु जी आपने नूह को बताया प्रभु, आज आपने भी हमें अपने इस पवित्र शास्त्र के द्वारा बता दिया कि अंत का जो समय वो नजदीक है प्रभु, तो जल्द आने वाला पिता परमेश्वर खुदा, हम प्रभु उस समाचार को संभाले रखें और उस समय सुसमाचार को प्रभु और भी आगे लेके जाएं कि प्रभु, ताकि लोग प्रभु बच सके प्रभु परमेश्वर, जो आगे होने वाला लोग प्रभु तेरे डर भय माने पश्चाताप में प्रभु जी, उन्हें एक नया जीवन देना, एक नया मौका देना प्रभु सुधरने का, और प्रभु अपने बेटे और बेटी बना लेना, और जो प्रभु परमेश्वर अभी तक नहीं प्रभु परमेश्वर मान रहे प्रभु जी, उन्हें बुद्धि और समझ देना पिता परमेश्वर। हम खुदा तेरी ओर सदा चलते रहेंगे खुदा, तेरा डर तेरा भय हमारे अंदर सदा रहे प्रभु, ये हमारी प्रार्थना तेरे आगे पिता परमेश्वर। अब पिता परमेश्वर इन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, जिन्हें परेशान है, दुखी है, लाचार, तेरी पीछे चले हैं खुदावन, उन्होंने ये नहीं देखा कि हमें क्या हानि होगी, समाज हमें क्या कहेगा, पर वो तेरे पीछे चल पड़े, पश्चाताप इन्होंने कर लिया, तो प्रभु आज इन्हें इनकी बीमारी से भी रिहा करना, आज इन्हें छुड़ाना, आज इन्हें आजाद करना, आज इन्हें फ्री करना, जितनी बीमारियां प्रभु जी लंबे समय से इनके अंदर है प्रभु, वो जाती रहे प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में पिता परमेश्वर खुदा। जो बहन इस कह रही है कि मेरा यूट्रस प्रॉब्लम है, मैं बांझ हूं, मेरा बच्चा नहीं हो पा रहा, तो प्रभु यीशु आजा, इनके घर में खुशी आने पाए, इनका बांझपन जाता रहे प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य में। जो कह रहे हैं मेरे हाथों पैरों में दर्द रहता है, हड्डियां टूटी है, जुड़ नहीं रही, प्रभु यीशु आजा, तेरे नाम में वो हड्डियां टूटी जुड़ने लगे पिता परमेश्वर। जो कहते हैं हमारे काम नहीं बढ़ते, हमारे सिर में कर्ज है, तो प्रभु इनका कर्जा जाता रहे प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य में। जो कह रहे मेरे पेट में सोलियां हैं, मेरे गले में टोंसन है, मेरे कैंसर है, टीबी है, प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य में सब बीमारियां इनको छोड़ के जाती रहे, तेरे जीवते नाम में ये हीलिंग पाए, दुष्ट आत्मा ने छोड़ के जाता रहे प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य में, दुष्ट आत्मा सदा सदा के लिए छोड़ के जाता रहे, गंदी भ्रष्ट आत्मा प्रभु परमेश्वर, जो गंदे गंदे सपने दिलाती पिता यीशु तेरे सामर्थ्य में, दुष्ट आत्मा ने छोड़े और भागे यीशु तेरे सामर्थ्य में, ये हीलिंग और डिलीवरी अभी राइट नाउ पाने पाए यीशु तेरे सामर्थ्य में, तेरा आत्मा अभी ने छुए, टच करे, आजाद करे प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में, ये अभी फ्री हो जाए, दुष्ट आत्मा से आजादी पा जाए प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में, ये महिमा को प्रभु देखे खुदा यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में, इनके जीवन प्रभु तेरे नाम की महिमा तेरी बड़ाई हो प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य में, ये बढ़ते जाए प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में पिता परमेश्वर खुदा। जितने लोग नए आ रहे प्रभु, मैं सबको तेरे हाथों में सौंपती हूं, बड़ी आशीष, बड़ी बरकत को पाए पिता परमेश्वर, बड़ी हीलिंग, बड़ी डिलीवरीज को पाए प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में। पिता मेरा विश्वास है कि आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया प्रभु, आपने नूह की तरह इन्हें भी आशीष कर दिया पिता परमेश्वर, और मुझे भी आशीष कर दिया प्रभु यीशु आजा, तेरे सामर्थ्य में धन्यवाद करती हूँ, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, कबूल किया, मांगते हैं प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जलाल नाम में, सब बोलिए आमीन आमीन। तो मेरा विश्वास है कि आज आप छूट चुकी हो, आजाद हो चुकी हो, आप फ्री हो, और इसी तरह इस चैनल पे बने रहना। सुबह की मॉर्निंग प्रेयर भी मैंने डालनी शुरू कर दी है, मॉर्निंग प्रेयर आपको 7 बजे या 8 बजे मिल जाया करेगी, उसको सुनकर अपने घरों से बाहर जाइए, कोई भी काम उस प्रेयर को सुन के कीजिए, ताकि परमेश्वर का आत्मा आपके संग रहे। हालेलुया, मेरी तरफ से सबको जय मसीह।